अस्सलाम वालेकुम आल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश बाश होंगे जी। माई यूट्यूब फैमिली, आज हम करेंगे तकरीबन स्मोकी टाइप हम आईज मेकअप अपना करेंगे, जिसमें हम ब्लैक, ब्राउन और डार्क ग्रीन कलर को हम यूज़ करेंगे। और आप इसको और भी डार्क मेकअप में आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने ब्राउन कलर को लिया है। ब्राउन कलर को लेके इनर कॉर्नर से लेके आउट कॉर्नर तक जो हमने डी लाइन बनानी है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये वाला मेकअप जो है ये आप नाइट फंक्शन के लिए बहुत बेस्ट है, तो बहुत प्यारा लगेगा, साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा और डार्क कलर है, बहुत प्यारी लुक आएगी इसके साथ। तो आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ब्राउन कलर के बाद हमने क्या किया, इनर कॉर्नर पे भी ब्लैक कलर को ही अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है और आउटर कॉर्नर को भी ब्लैक कलर से ही हमने ब्लेंडिंग करनी है, अच्छे से कॉर्नर बना लेने हैं। क्योंकि यहाँ हमने जो है डी में सेंटर कलर, सेंटर एरिया को ग्रीन से कवर करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, आउट कॉर्नर और इनर कॉर्नर को ब्लैक से मर्ज किया है, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और जो नीचे का वाटर लाइन एरिया जो होता है उस पर भी आपने इसी तरह से कलर उठा के लगाने होते हैं। तो हम साथ के साथ ही नीचे वाटर लाइन को भी कवर करेंगे। जी, ये हमारा ब्लैक कलर हमने फाइनल कर लिया है। इसके बाद हम डार्क ग्रीन कलर लेंगे, उसको हम सेंटर के डी एरिया को अच्छे से कवर करेंगे। ये बहुत डार्क ग्रीन कलर है और इसको अच्छे से आपने जितना आपको शेड अच्छी चाहिए, जितना आपने डार्क करना आप उसको डार्क से डार्क कर सकते हैं। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। आउटर कॉर्नर पे हमने ब्लैक लगाया है तो इनर पे भी हमने ब्लैक लगाया है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों कलर की यहाँ पे मिक्सिंग इतनी अच्छी करनी है कि वो सेटिंग में लगे। आउट कॉर्नर को हमने दोबारा से ब्लैक कलर के साथ और उसको डार्क किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइट कलर नहीं चाहिए था, जो आउट कॉर्नर हमें ब्लैक ज़्यादा इन्हेंस करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको ऐसा फील हो कि आपको जो कलर टोन नहीं जो था वो आपको ये रिक्वायर्ड है कि ये कम हो रहा है, हमें इससे ज़्यादा करना है, तो उसके बाद आप उस शेड को दोबारा से अच्छे से सेटिंग कर लें। ये देखें, मैंने भी इसी तरह से किया है और जो आउट जो कलर गिर जाते हैं तो उससे आप डस्ट आउट कर लें, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से आपने इसको सेटिंग करना है। जो ग्रीन कलर है हम दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, इसी को हम नीचे वाटर लाइन पे भी लगाएंगे। अब हम ग्लिटर लगाने लगे हैं। ग्लिटर के लिए ये आपको ग्लू चाहिए, इसके साथ आपने क्या करना है, थोड़ी सी ग्लू लगानी है और उसके पास आपने ग्लिटर लगाना है। ग्लिटर हम यहाँ पे जो लगाएंगे वो हम दो शेड के यूज़ कर सकते हैं। हम डार्क यहाँ पे ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे लाइट गोल्ड कलर यूज़ किया है, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पर सिल्वर भी अटैच कर सकते हैं, गोल्ड भी अटैच कर सकते थे और यहाँ पे आप डार्क ग्रीन भी अटैच कर सकते हैं, तो बहुत प्यारे लगेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने गोल्डन जो है कलर वो मैंने अप्लाई किया है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है।
सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं है आजकल, तो हो सकता है बीच में थोड़ी थोड़ी मेरी वॉइस जो है आपको प्रॉब्लम कर रही हो, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आए और अच्छे से मैं समझा सकूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका पूरा जो ना कलर है फाइनल हो चुका है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लाइनर को अप्लाई करना है। लाइनर आप आराम से आउटर कॉर्नर को बना के भी बना सकती हैं, विंग्स भी बना सकती हैं अच्छे से। तो मैंने भी यहाँ पे आउट जो छोटे छोटे स्ट्रोक में लेके बनाती हूँ, जिस तरफ से भी उठाती हूँ, ये देखें इनर से हमने बनाया है और आउट कॉर्नर तक विंग्स बनाना है आपने। तो हमारी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें, ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, कौन से एरिया से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं। तो फीडबैक दिया करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने पहले भी बता दिया था आपको, यहाँ पे ग्रीन कलर मैं यहाँ पे अप्लाई करना भूल गई थी, मैं एंड पे कर रही हूँ, तो ये चीज़ मैंने पहले से आपको बता दी थी कि यहाँ पे ग्रीन कलर हमने अभी अप्लाई करना है। ये इसके बाद हमने क्या किया है, हमने अच्छे से इसकी जो ग्लू लगा के और हमने इसको लैच को लगा लिया है। ये देखिए, ये हमारी फाइनल लुक तैयार है। देखिए हमारा आईज मेकअप कितना प्यारा हुआ है, और आप भी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा मेकअप करेंगी। और बिगनर्स के लिए तो मेरी वीडियो इंशाल्लाह बहुत अच्छी साबित होगी। आप मेरी पूरी वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें और एंड तक देखा करें, ताकि आपको टोटल अच्छे से समझ आ जाए। तो माय यूट्यूब फैमिली, ये देखे हमारी कंप्लीट लुक कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी और ग्लैमरस लुक।